इंसान का दिमाग इस धरती पर से सबसे कॉम्प्लेक्स पदार्थों में से एक है और इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स ब्रेन को हम कैसे विकसित कर सकते हैं, मतलब उसकी कैपेसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। एक छोटे बच्चे का दिमाग 5 साल के अंदर 80% से भी ज्यादा विकसित होता है और हर एक सेकंड को उसके दिमाग में 10 लाख नए न्यूरॉन्स प्रोड्यूस होते रहते हैं और बाकी 20% दिमाग का विकास अगले 20 साल तक होता रहता है, जिसके बाद 25 साल की उम्र के बाद हमारा दिमाग डेवलप नहीं होता। और शायद यही कारण है कि दुनिया भर का पूरा एजुकेशन सिस्टम उसी प्रकार डिजाइन किया जाता है और ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी पढ़ाई 20 से 25 साल की उम्र तक पूरी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि 25 साल की उम्र के बाद हमारा दिमाग आगे और विकसित नहीं हो सकता, मतलब उसकी कैपेसिटी, दिमाग की मेमोरी और उसका IQ जो 25 साल की उम्र पर था, क्या पूरी जिंदगी वही रहेगा? तो बेसिकली इसका आंसर है नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो जो लोग साइंटिस्ट बने ना, वो साइंटिस्ट थोड़े बनते। ऐसा होता तो वो ये बनते। 10 का 2 चप्पल, 10 का 2 चप्पल, 10 का 2 चप्पल, 10 का 2 चप्पल। मतलब हमारा दिमाग जिंदगी भर विकसित होता रहता है, लेकिन उतनी तेजी से नहीं जितना वो बचपन में हो रहा होता है, लेकिन होता जरूर है। तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले कि आप अपना IQ कैसे बढ़ा सकते हो। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला राज है सही खाना। जो आप खाते हो ना, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके दिमाग पर होता है। कहते हैं ना, एक तंदुरुस्त दिमाग एक तंदुरुस्त शरीर में ही रह सकता है और अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना होना बहुत ही आवश्यक होता है। विटामिन B, D आदि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स दिमाग की एजिंग प्रोसेस को धीमा कराते हैं, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाते हैं और मेमोरी भी तेज कराते हैं। आपको खासकर शुगर जो कि चॉकलेट्स में होती है उसे दूर ही रहना चाहिए। अगर आपके खाने में ज्यादा शुगर है तो आपका दिमाग धीरे धीरे काम करेगा, क्योंकि यह शुगर आपकी नई चीजों को जानने की और याद करने की क्षमता और कंसंट्रेशन करने की क्षमता कम कराती है। इसलिए जंक फूड को अवॉइड कीजिए, बाय बाय कहिए उसको। एक हेल्दी डाइट चुनिए और उसको फॉलो करते रहिए और उसके साथ साथ अपने दिमाग की शक्ति भी बढ़ाइए। दूसरा राज है भरपूर पानी पीना। पानी वो चीज है जो दुनिया के लगभग हर रोग को ठीक करने की क्षमता रखता है। हमारा जो शरीर होता है वो बेसिकली 60% पानी से बना होता है और इंसान का दिमाग 80% पानी से बना होता है। तो आप समझ ही सकते हो कि पानी पीते रहना हमारे दिमाग के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब कभी आप डिहाइड्रेट होते हो तो आपको चक्कर आने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिहाइड्रेशन का सीधा असर आपके दिमाग पर पड़ता है। शरीर में पानी की कमी के चलते कॉन्सेंट्रेशन लूज होने लगता है, थकान महसूस होता है आदि बहुत सारे प्रॉब्लम्स निर्माण हो सकता है अगर आपने पानी कम पिया तो। इसलिए भरपूर और फ्रेश पानी पीते रहिए और अपना IQ बढ़ाइए। तीसरा राज है पर्याप्त मात्रा में नींद लेना। जिस प्रकार अगर आप किसी मशीन को ज्यादा देर तक चलता हुआ छोड़ दोगे तो वो ओवरहीट हो जाएगा और कुछ देर के बाद वो खराब भी हो सकता है, बिल्कुल उसी प्रकार हमको भी पूरे दिन काम करने के बाद आराम की बेसिकली बहुत जरूरत होती है। एक एवरेज इंसान को कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद तो लेनी ही चाहिए। स्टडीज में यह पाया गया है कि नींद ना पूरी होने की वजह से दिमाग की चीजों को याद रखने की क्षमता कम होती है। लेकिन नींद के साथ मेमोरी का क्या कनेक्शन है? एक्चुअली जब हम रात को सोते हैं तब हमारा दिमाग दिन भर हुई सारी घटनाओं को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी पर सेव करता है। नींद ना पूरी होने की वजह से इसका सीधा असर हमारे ब्रेन के हिप्पोकैम्पस पर पड़ता है, जो कि इंसान की लॉन्ग टर्म मेमोरी से संबंधित होता है और इसकी वजह से आपको बहुत सारी बीमारियों से गुजरना भी पड़ेगा। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपका दिमाग फ्रेश रहे, एक्टिव रहे, मोर पावरफुल रहे और ज्यादा एफिशिएंसी के साथ काम करता रहे, तो आपको कभी भी नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, मतलब पर्याप्त मात्रा में नींद लेनी चाहिए। इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि दिन भर भी सो और रात भर भी सो, वो तो दांव बन जाएगा। ऐसा नहीं करना, पर्याप्त मतलब 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है। चौथा राज है एक्सरसाइज करना। आप एक्सरसाइज क्यों करते हो? क्योंकि आपका शरीर फिट रहे, तंदुरुस्त रहे। लेकिन क्या आपको पता है कि इस व्यायाम का बहुत ज्यादा एडवांटेज आपके दिमाग को भी होता है? अगर आप रोज 20 मिनट्स भी एक्सरसाइज करते हो ना, तो उसका बहुत ज्यादा फायदा आपके दिमाग को होता है। जब आप एक्सरसाइज करते हो ना, तो आपका हार्ट रेट बढ़ता है और ज्यादा मात्रा में ब्लड सर्कुलेट होता है और ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन के चलते आपके दिमाग को ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है। इसके कारण आपका दिमाग तेज होने लगता है। रोज एक्सरसाइज करने की वजह से आपका मूड हमेशा अच्छा रहेगा, आपको स्ट्रेस भी कम आएगा और एंजाइटी जैसे प्रॉब्लम से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। एक्सरसाइज के कारण आपकी थिंकिंग कैपेसिटी भी अच्छी डेवलप हो जाएगी और आपका दिमाग एकदम से शार्प हो जाएगा, एकदम बिजली की तरह। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके लिए एक टिप है। जब एग्जाम नजदीक आता है ना, तो आपका स्ट्रेस बढ़ता है, आपका कंसंट्रेशन लूज होने लगता है एग्जाम के टाइम पर। और जब आप स्टडी करते हो ना, तो सब कुछ याद रखने की क्षमता भी कम होती है। जो पढ़ा होता है वो याद भी नहीं रहता।
ऐसे टाइम पे अगर आपने कुछ पढ़ लिया और वो आपको याद नहीं हो रहा तो बाहर जाकर घूम कर आइए या फिर एक छोटा सा ब्रेक लीजिए या फिर पबजी खेलिए और फिर से कुछ देर बाद आकर स्टडी कीजिए। और इस बार आप नोटिस करना कि जो आपको याद नहीं हो रहा था वो अब आराम से याद हो जाएगा। ऐसा करने से आपका स्ट्रेस कम होगा और पढ़ा हुआ सब कुछ याद भी रहेगा। एक बार ट्राई करके देख लीजिए ना। पांचवा राज है स्ट्रेस ना लेना। किसी भी तरह का तनाव या फिर स्ट्रेस आपके शरीर और आपके दिमाग दोनों के लिए अच्छा नहीं होता। अगर आप हमेशा स्ट्रेस या फिर टेंशन लेते हो ना तो आपको हमेशा इरिटेट फील होगा। ज्यादा स्ट्रेस के कारण थकान महसूस होना, किसी भी काम पर फोकस ना होना, स्ट्रेस के चलते नींद नहीं आना और टाइम पे भूख नहीं लगना इत्यादि बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्ट्रेस लेने से निर्माण होते हैं। अगर आप खुद को रिलैक्स नहीं कराते या फिर लिमिट से बाहर एक्सेस अमाउंट में स्ट्रेस लेते हो तो संभावना होती है कि आपको डायबिटीज या फिर हार्ट के डिसीज से गुजरना होगा। आप नोटिस कीजिए कि जो मानसिक रोगी होता है ना वो ओवर स्ट्रेस की वजह से ही साइकोपैथ बन जाता है, क्योंकि ओवर स्ट्रेस के कारण दिमाग के बहुत सारे अच्छे सेल्स डैमेज होते हैं और उसके चलते वह साइकोपैथ बन जाता है। इसलिए हमेशा स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश कीजिए। ड्यूटी सही मगर चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट बनाए ना। छठा राज है अपने दिमाग को हमेशा चैलेंज करते रहना। यह चीज एक तेज दिमाग के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर आप किसी मशीन को इस्तेमाल नहीं करते और उसे ऐसे ही छोड़ देते हो तो समय के साथ साथ उसमें जंग लग जाता है और वह खराब हो जाता है। यही होता है आपके दिमाग के साथ। जब तक आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक वह चलेगा नहीं। इसलिए आप अपने दिमाग को हर दिन एक नया चैलेंज दीजिए ताकि वह हर समय ठीक से चलता रहे। इसके लिए आप ब्रेन गेम्स खेल सकते हो या फिर पजल्स खेल सकते हो या फिर क्विजेस लगा सकते हो, सुडोकू खेल सकते हो। ये सब खेलने की आदत डाल लीजिए या फिर कुछ नया सीखिए, जैसे कि एक नई भाषा या फिर कोई नई स्किल। रोज कुछ नई जानने की कोशिश कीजिए, नई किताबें पढ़िए। इस तरह आपका दिमाग कभी भी जंग नहीं खाएगा और हमेशा फुर्ती से काम करता रहेगा और आपका आईक्यू भी बढ़ जाएगा। सातवां राज है इमेजिनेशन। जब आप अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हो तो दिमाग के वही से काम करते हैं जो बाकी समय बंद रहते हैं। जितनी बड़ी और शानदार आपकी कल्पना होगी उतना ही तेज आपका दिमाग बनेगा। महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला जब छोटे थे तो वे जो भी पढ़ते थे या फिर सुनते थे उसका एक मानसिक चित्र अपने दिमाग में बनाते थे। और बस यही नहीं, उनकी कल्पना शक्ति इतनी ज्यादा एक्टिव थी कि उन्होंने अपने दिमाग में कई सारे इमेजिनरी दोस्त बनाए थे और कई सारी इमेजिनरी जगह भी बनाई थी जो कि उनके लिए उतनी ही वास्तविक थी जितनी की असल दुनिया। और वह अपनी इस आदत को क्रेडिट देते हैं अपनी सफलता का, अपने तेज दिमाग का। इसलिए अपनी कल्पना को एक्सपेंड करिए, नई किताबें पढ़िए, अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल कीजिए, शायद इससे आपको बहुत ज्यादा मदद हो जाए। और आखिरी राज है कंसिस्टेंसी यानी सातत्यता। अब तक मैंने आपको 7 टिप्स तो बता दिए लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहते हो ना तो मैंने ऊपर बताए 7 टिप्स का कोई भी फायदा आपको नहीं होगा। अगर आपको सचमुच में अपने दिमाग की शक्ति और आईक्यू बढ़ाना है तो आपको कंसिस्टेंट तो रहना ही होगा। अगर आप इन 7 टिप्स को पूरे दिल के साथ फॉलो करेंगे तो इसका 100% फायदा आप ही को होगा। इंसान का दिमाग बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और यही दिमाग इंसान को धरती पर किंग बनने का मौका देता है। मतलब इंसान सबसे होशियार प्राणी है, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स दिमाग का ख्याल रखने की जिम्मेदारी भी हमारी बनती है। और असली टैलेंटेड व्यक्ति वही है जो अपने दिमाग के सेहत के महत्व को समझ जाए। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट करना, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो फिर मिलता हूँ आपसे एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। We'll be right back.